सुबह सुबह बढ़िया नींद में था, अचानक 10:30 बजे फोन आता है। This is to inform you that the East Coast Mall in Chennai has been hijacked. लेकिन इससे भी खतरनाक बात क्या है पता है? यही कि सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत मुझे करनी है। इससे भी पुरानी कोई बिल्डिंग नहीं मिली क्या? इसके पूरे हाड़ पिंजरे हिले हुए हैं। सर कोई इमरजेंसी ऑपरेशन कहा था इसलिए। अच्छा तुझे सब बता दिया है? और इस बैड टाइम में गुड न्यूज क्या है पता? जब मॉल हाईजेक हुआ तब एक्सीडेंटली हमारा भी एक आदमी अंदर था। वो आदमी कोई मामूली आदमी नहीं था। One of the best and the most notorious spy we have ever had. Veer Raghav. ऐसे एक इंसान के होते हुए कोई मॉल हाईजेक करेगा तो क्या होगा? जरा सोचो वीर ने उन आतंकवादियों को क्या हाल किया होगा। डर लग रहा है? अभी तो खेल शुरू हुआ है। वो मनमानी ना करे, मंत्री बोल रहा है ऐसा उसे धमका के बोलना। सर आपके नाम से धमकाया तो वो खुद आपकी बीवी और बेटी को मार देगा और इल्जाम आतंकवादी पर डाल देगा। ये जो राजनीतिक खेल तुम खेल रहे हो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सर मेरी बात मान लीजिए, वो खतरनाक बीस्ट है। Because I'm not a politician, I'm a soldier. तेरा अप्रैल को तो थिएटर्स में मतलब धमाके होने वाले हैं।